हजारों औरतें जोहर करती रही, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें बताया गया अकबर महान है, फिर महाराणा प्रताप कौन थे। हजारों लाशें सड़ती रही सड़क पर, फिर भी गांधी मौन थे। हमें बताया गया चरखे से मिली है आज़ादी, फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 23-23 साल के नौजवान कौन थे। सबसे पहले दोस्तों मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। और दोस्तों मैं नमन करता हूँ उस माँ को जिसने एक शेर पैदा किया, मैं नमन करता हूँ उस पिता को जिसने उस शेर को शिकार करना सिखाया, और मैं नमन करता हूँ उस धरती माँ को जिसने अपने सीने पर उस शेर को खिलाया, और मैं नमन करता हूँ सरदार भगत सिंह को। दोस्तों कितने शर्म की बात है, आज भी सरदार भगत सिंह को शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं है। और दोस्तों एक राज्य की जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था तो मुझे रोना आ गया, उस पुस्तक में आज भी लिखा हुआ था आतंकवादी सरदार भगत सिंह। दोस्तों कितने शर्म की बात है, आज हमारी सोच इतनी गिर चुकी है, हर एक भारतवासी चाहता है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पैदा होना चाहिए भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। दोस्तों आज हमारी सोच इतनी गिर चुकी है। भगत सिंह दोस्तों दो ही दिन याद आता है, या तो 23 मार्च शहीदी दिवस को याद आता है या जन्मदिन को याद आता है, और इस दिन सारे के सारे राजनेता भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते है, और दोस्तों 24 मार्च के बाद भगत सिंह को भुला दिया जाता है। और दोस्तों मैं बात करता हूं 2013 की, कांग्रेस सरकार थी और हमने आरटीआई मांगी थी कि शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं है। जवाब आया अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। सरकार बदली, अच्छे दिन के वादे किए गए, और 2016 में भाजपा सरकार से फिर नई आरटीआई मांगी गई कि भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों प्राप्त नहीं है, फिर भी वही जवाब आया अभी कागजात पूरे नहीं है। दोस्तों मैं सरकार से पूछना चाहता हूं उन्हें कौन से कागजात की जरूरत है, भगत सिंह की शहीदी की गवाही पूरा देश दे सकता है। दोस्तों आज राजनीति है वो गंदा खेल बन चुकी है, इसीलिए तो मैं इन राजनेता पर एक लाइन कहता हूं, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, मैं बचाता रहा दीमक से अपने घर को, और चंद कुर्सी के कीड़ा पूरा मुल्क खा गए, पूरा मुल्क खा गए। दोस्तों ये राजनेता केवल राजनीति करना जानते हैं। मैं तो कहता हूं बच्चों सरदार भगत सिंह को शहीद का दर्जा होना चाहिए, और उनके साथ साथ सरदार भगत सिंह को भारत रत्न भी मिलना चाहिए। अगर दोस्तों आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को दोस्तों इतना वायरल कर देना कि 23 मार्च तक हर एक भारतवासी के, हर एक नेता के मोबाइल में यह वीडियो होनी चाहिए, ताकि उन बहरों को भी पता चले कि भगत सिंह को सम्मान के साथ शहीद का भी दर्जा मिलना चाहिए और उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। दोस्तों बात थी 8 अप्रैल 1929 की, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, और भगत सिंह ने एक ही बात कही थी, मेरा इस बम से किसी को मारने का इरादा नहीं था, और मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था कि बहरे अंग्रेजों को सुनाना, जब कोई बहरा हो जाए तो दोस्तों धमाका जोरदार होना चाहिए। और इन बहरे राजनेता को बच्चों धमाका करेगा हमारा ये वीडियो, और इसको आगे पहुंचाने की जिम्मेवारी बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपकी रहेगी। मैं बात बताता हूं बच्चों 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी को आगे बढ़ाया था सरदार भगत सिंह ने, और बच्चों उन्होंने 1929 में उस सैंडर्स को गोली मारी थी जिसने लाला लाजपत राय पर दोस्तों लाठियां चलवाई थी, और भगत सिंह बच्चों इतने बेखौफ थे और पर्चे छपवा दिए थे कि हमने लाला जी की मौत का क्या ले लिया, बदला ले लिया। क्या जुनून था दोस्तों उस देशभक्त में, और क्या दोस्तों उस देशभक्त ने हमारे लिए जान गंवाई थी, हम उनको शहीद का दर्जा नहीं है आतंकवादी सरदार भगत सिंह पढ़ते हैं और दोस्तों खुश हो जाते हैं। आज भगत सिंह जिंदा होता तो दोस्तों कितना रोता, क्या हमने इनके लिए जान गंवाई है जो मेरे लिए कुछ भी नहीं करते। बात थी वो दोस्तों 23 मार्च 1931 की, जब भगत सिंह को फांसी पर ले जाया जा रहा था तो भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो सरदार भगत सिंह ने अंतिम इच्छा यही कही कि मैं तीनों दोस्तों से, भगत सिंह से ने कहा राजगुरु और सुखदेव के क्या मिलना
मिलना चाहता हूं और गले मिलना चाहता हूं और इनकलाब जिंदाबाद का दोस्तों नारा बोला। और भगत सिंह ने बच्चों उस फांसी के फंदे को चूम लिया। मैं तो कहता हूं बच्चों कितनी खुद नसीब, कितनी खुद किस्मत थी वो रस्सी जिसने भगत सिंह के गले को चूमा होगा। दोस्तों वो जल्लाद भी रोया था जिसने भगत सिंह को क्या दी थी दोस्तों, फांसी दी थी। और 24 मार्च 1931 का दिन था बच्चों, माता विद्यावती रो रही थी। तो किसी ने पूछ लिया, माता विद्यावती जी आप इसलिए रो रहे हो क्योंकि भगत सिंह शहीद हो गया? तो बच्चों मैं नमन करता हूं उस माता विद्यावती को। माता विद्यावती ने एक ही बात कही थी, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा सरदार भगत सिंह शहीद हो गया, मैं अपनी कोख पर रो रही हूं कि मैंने एक भगत सिंह पैदा किया। अगर मैंने 10 भगत सिंह पैदा किए होते तो सारे के सारे दोस्तों मैं देश पर न्योछावर कर देती। मैं सलाम करता हूं माता विद्यावती की ऐसी सोच को। और बच्चों हमारा अब सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि भगत सिंह को सम्मान के साथ शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और भगत सिंह को भारत रत्न भी दोस्तों जरूर मिलना चाहिए। आज दोस्तों भगत सिंह जिंदा होते तो भारत माता के लिए दोस्तों एक लाइन जरूर बोलते। और भगत सिंह की तरफ से मैंने बच्चों 4 लाइन लिखने की कोशिश की है। और जो भगत सिंह बच्चों आज जिंदा होते तो जरूर बोलते, वो भारत माता को कहते, ए भारत माँ आपको इस दिल से जुदा होने नहीं देंगे, आपको नींद भी आई तो सोने नहीं देंगे। ए भारत माँ तेरी मुस्कान हमें इतनी प्यारी है, हम मर भी गए तो क्या पर तुझे रोने नहीं देंगे, तुझे रोने नहीं देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।